अगर हम नवादा की बात करें तो नवादा में भूमिहार और यादवों की भूमिका सबसे ज्यादा है। ऐसे में सवाल उठता है कि नवादा में विनोद यादव उतर गए हैं तो वो नुकसान तो श्रवण कुशवाहा को करेंगे, और जहां तक गुंजन सिंह का सवाल है तो वो निश्चित तौर पर वो विवेक ठाकुर के लिए नुकसानदायक साबित होंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि लालू प्रसाद का वो मैजिक काम करेगा क्या? लालू प्रसाद जिस तरीके से दोनों जगह पर कुशवाहा उम्मीदवार दे रहे हैं और कुशवाहा समाज में सेंधमारी का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो तय मान रहे हैं कि यादव और मुस्लिम तो मेरे पक्ष में आएंगे ही आएंगे, अगर हमने कुशवाहा का वोट साध लिया तो हमारी जीत हो सकती है। संजीव पांडे जी, मैं आपसे इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि अगर आप कुशवाहा की तादाद देखें, जो हमारे पास आंकड़े हैं, तो 8.5% है, सबसे ज्यादा राजपूत, उसके बाद यादव और उसके बाद मुस्लिम, और कुशवाहा की तादाद बराबर है 8.5% है, और भूमिहारों की तादाद वहां पर 6.8% बताई जाती है, और SC ST की संख्या बहुत अच्छी है, 19% के आसपास है। ऐसे में कुशवाहा को उतार करके क्या औरंगाबाद और नवादा साधते हुए आप देख पा रहे हैं? आपको लग रहा है कि लालू प्रसाद इस पॉलिटिक्स में कामयाब हो पाएंगे, और शायद इसी वजह से लालू प्रसाद ने उधर अशोक महतो को भी मुंगेर से उतार दिया है, जिससे कि एक बड़ा मैसेज जाए कि किस तरीके से RJD धानुक और कोयरी समाज को साधने में लगी हुई, और शायद इसी का परिणाम था कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से मिलने जाते, क्योंकि सरकार के मुखिया नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के सर्वोपरि नेता हैं, और जहां तक बिहार BJP अध्यक्ष का सवाल है और उपनेता का सवाल है तो सम्राट चौधरी हैं। अगर लालू प्रसाद का यह दाव कामयाब होता है तो इन तीनों नेताओं की भयानक किरकिरी होगी। दरअसल इनके कहते ना कि इनके जमीन पर जाकर के ठोकर मारने जैसी बात होगी, ठेस पहुंचाने वाली बात होगी, जो पॉलिटिक्स लालू प्रसाद यादव खेलते नजर आ रहे हैं। औरंगाबाद लोकसभा सीट एक ऐसा लोकसभा सीट है जहां आज तक गैर राजपूत नहीं जीता है, आजादी के बाद से वहां सांसद राजपूत रहे हैं, और नवादा एक ऐसा लोकसभा सीट है जो जनरल होने के बाद 2009 के बाद गैर भूमिहार कोई नहीं जीता है। हालांकि यादव कैंडिडेट आते रहे हैं, लेकिन 2009 में देखिए कि पहली बार भी भूमिहार जीते, इससे पहले ये रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी नवादा था, और उसके पहले सबसे पहले वो भोला सिंह जीते, फिर गिरिराज सिंह जीते, फिर उसके बाद चंदन सिंह जीते, तो यहाँ पे गैर भूमिहार नहीं जीता है। लालू प्रसाद एक नया प्रयोग कर रहे हैं कि जैसे एक इतिहास रचने की अगर वो बात कर रहे हैं कि हम जो जिस सीट पे राजपूत कभी हारा नहीं वहां भी एक कुशवाहा से एक राजपूत को मात दिलाएंगे, जिस सीट पे भूमिहार नहीं हारा उस सीट पे भी कुशवाहा से अगर हम किसी एक भूमिहार को हरवा देंगे, तो एक लालू यादव की एक रणनीति यह है कि इनफैक्ट जो बिहार के जो सामाजिक समीकरण आफ्टर सोशल जस्टिस और मंडल कमीशन जो बना, तो उसमें ग्रामीण इलाकों में एक जो टेंशन जो पहले कभी भूमिहारों के अगेंस्ट जो एक रोष प्रकट होता था आजादी के बाद कि जमींदार जाति है, रूलिंग क्लास है और तमाम जातियां इकट्ठी होती थी, तो 1990 के बाद 96 और 2000 तक आते आते तमाम पिछड़ी जातियां यादवों के खिलाफ गोलबंद हो गई, और लालू प्रसाद यादव का जो एक छवि यही बन रहा कि यादव की पार्टी है और मुसलमान इनको सपोर्ट करते हैं, और धीरे धीरे अन्य पिछड़ी जाति और दूसरी पिछड़ी जातियों में नीतीश कुमार और भाजपा ने सेंध लगा दी। अब लालू यादव के सामने एक बड़ा संकट है कि लालू यादव का अपर कास्ट का विरोध तो है ही, साथ में अति पिछड़ी जातियां और दबंग पिछड़ी जातियां जो नॉन यादव हैं वो भी इनके खिलाफ हैं, तो लालू यादव के पास लालू यादव की मजबूरी है कि सब जगह यादव को देखकर वो चुनाव जीत नहीं सकते, और कुशवाहा जाति जो है बिहार के जो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र है उसमें एक महत्वपूर्ण जाति हो चुकी है इस समय, और एक साइलेंट और एक नॉन एग्रेसिव कास्ट माना जाता है जो सब्जी उब्जी का काम करते हैं और आर्थिक रूप से बहुत मजबूत जाति है, तो उनको लगता है कि यादव अगर हम कुशवाहा कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो जो दूसरी पिछड़ी जातियां जो यादवों के खिलाफ है या जो हमारे खिलाफ है और अन्य पिछड़ी जातियां जिसमें BJP सेंध लगा चुकी है, नीतीश कुमार सेंध लगा चुके हैं, वो वोट देंगे। लेकिन एक चीज पंकज जी स्पष्ट है कि सिर्फ कुशवाहा कैंडिडेट खड़ा करने से
अति पिछड़ी जातियां और सारी दलित जातियां लालू यादव को वोट नहीं देंगे, ये एक फैक्ट मानिए। इसमें एनडीए का सेंध है और आगे भी इस चुनाव में भी वो दिखेगा कि अति पिछड़ी जातियां जिसमें कहार हो गए, नाई हो गए, धोबी हो गए, जो जो तमाम पिछड़ी जातियां हैं जिसमें कहार एक इम्पॉर्टेंट है, गया औरंगाबाद साइड में कहार एक इम्पॉर्टेंट जाति है, नवादा में भी कहार होंगे, गया लोकसभा क्षेत्र में तो गया सहरसा में 40-45 हजार कहार हैं और प्रेम कुमार वहां से विधायक लगातार जीत रहे हैं, 1989 से मैं देख रहा हूँ भाजपा से, वो जीतते हैं, हारे ही नहीं है, लास्ट आवर तक आके जीत ही जाते हैं। तो ये जो जातियां हैं, इन जातियों का वोट लेना आरजेडी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये जातियां जो है बहुत मजबूती से बीजेपी और एनडीए के पक्ष में खड़ी है, ये एक फैक्ट है। अब उसी में देखिए औरंगाबाद से क्यों लड़ाया गया है, परिसीमन के बाद इमामगंज, गुरुआ, जो दो विधानसभा क्षेत्र जो कोयरी जहां पे अच्छी संख्या में है वहां पे वो परिसीमन के बाद औरंगाबाद में आ गए, तो निश्चित रूप से कोयरी कुशवाहा वोट का, औरंगाबाद शहर में भी कुशवाहा अच्छे है, कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में भी कुशवाहाओं की अच्छी आबादी है, तो उन्होंने कुशवाहा कैंडिडेट को खड़ा कर दिया है। तो मेरा ये मानना है कि लड़ाई होगी, पिछले बार भी जो लड़ाई हुई थी एनडीए के लहर में भी जो राजद के जो कैंडिडेट टिकट दे गए थे, जो जिनको टिकट कुशवाहा जाति को दिया था, उन्होंने अच्छा खासा वोट लिया, लड़ाई इस बार भी होगी। लेकिन सवाल ये होता है कि सिर्फ कुशवाहा मुस्लिम यादव के पक्ष, अगर गोलबंदी में दूसरी जातियां भी अगर गोलबंद हुई एनडीए की तरफ, तो लड़ाई बहुत फाइट हो जाएगी और एनडीए को हराने के लिए बहुत आरजेडी को मेहनत करनी होगी उस इलाके के अंदर। और नवादा में अगर दोनों साइड से बागी खड़े हो गए तो निश्चित रूप से राजवल्लभ यादव के जो रिश्तेदार हैं वो जितना वोट यादवों का काट पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि एनडीए के कैंडिडेट जो गुंजन सिंह जो अगर खड़े होंगे और एनडीए के कैंडिडेट के विवेक ठाकुर का वोट वो काटने में सक्षम होंगे। लेकिन जो राजवल्लभ यादव का परिवार है, जो ट्रेडिशनली लगातार 2009 से जब से सीट जनरल रुबा है वो लड़ रहे हैं भाजपा के अगेंस्ट, और एक वहां कौशल यादव की फैमिली भी है जो वो भी लड़ती रही है, तो यादव वोटों में ये जो दो दबंग है, कौशल यादव और राजवल्लभ यादव का परिवार, ये लालू प्रसाद यादव के लिए बड़ा चैलेंज है, जो वहां के स्थानीय यादवों पे बड़ा प्रभाव रखते हैं, और अगर उनमें से कोई इंडिपेंडेंट लड़ गया तो यादव वोटों को खराब करेंगे। लेकिन जो आप गुंजन सिंह का नाम ले रहे हैं, अगर ये भूमिहार है तो मुझे नहीं लगता कि भूमिहार वोटों में विभाजन होगा नवादा में। नवादा में भूमिहारों का वोट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली 99% बीजेपी के साथ जाएगा, एनडीए के कैंडिडेट के साथ जाएगा।